वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज दविन रेड्डी और इस वीडियो में हम बात करेंगे नो एसक्यूएल के बारे में। अब नो एसक्यूएल एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही इसका मतलब है कि यहाँ पे एसक्यूएल नहीं होता है, क्योंकि नाम में नो एसक्यूएल है ना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये कि नो एसक्यूएल क्यों बोलते हैं और टेक्नोलॉजी है क्या। अब पहली बात तो नो एसक्यूएल एक कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको बस एक जो तरीका होता है डेटा सेव करने का वो है और डेटा फेच करने का भी चेंज हो चुका है। तो इसको समझने के लिए हम जाएंगे 1970s में। अब 1970s में जब डेटाबेस कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा था, वो टाइम सबको फील हुआ यार ठीक है हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, बट हमारे पास एक अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम डेटा सेव कर सके। फिर वो टाइम पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए, उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ हम इस तरह सेव करते हैं या फिर उस तरह सेव करते हैं, बट उनका मेन मोटिव वो टाइम पे ये था कि कम से कम डिस्क स्पेस यूज हो। प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम पे स्टोरेज वॉज कॉस्टली, तो उनको हर एक बिट वॉज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें जहां पे डेटा जब सेव हो तो रिपीटेड ना हो। तो उस टाइम पे बहुत सारे पेपर्स में से एक पेपर आया जिसका नाम था 12 रूल्स फॉर डेटाबेस और कॉड रूल्स, राइट, नाम तो सुना होगा। तो उस पेपर में 12 रूल्स मेंशन थे जिसमें जिसके हिसाब से अगर आप डेटाबेस बनाओगे तो वो बनेगा एक ऐसा कंपार्टमेंट या फिर ऐसा बॉक्स जिसके अंदर जो भी डेटा सेव होगा वो होगा टेबुलर स्ट्रक्चर में, और वो वहां पे सारे टेबल्स और बहुत सारे टेबल्स एक दूसरे लिंक होंगे। एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दो, तो अगर आपको एम्प्लॉयज के डेटा स्टोर करने होंगे तो एम्प्लॉयज में क्या होगा, उसका नाम होगा, उसका सैलरी होगा, उसका डिपार्टमेंट नेम होगा। तो जैसे नवीन हो गया, नवीन सैलरी लेट्स से 10,000, डिपार्टमेंट हो गया लेट्स से आईटी। तो इस तरह से हम बाकी का डेटा सेव कर सकते हैं टेबुलर स्ट्रक्चर में, जहां पे सर्च करना भी इजी होगा। अब एक ही यहां पे कुछ जो 12 रूल्स में थे उनमें से कुछ रूल्स ये भी है कि वो जो रो है, जो हर टेबल में एक रो होगा, दैट शुड बी यूनिक। तो उसको यूनिक करने के लिए हमारे पास प्राइमरी की आ गया। फिर मल्टीपल टेबल्स होंगे तो उनको लिंक करने के लिए, मल्टीपल टेबल्स क्यों होंगे यहाँ पे कि डिपार्टमेंट डेटा जो है वो रिपीट हो गया ना, क्योंकि दो तीन लोग या फिर बहुत सारे लोग दे कैन बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट, तो क्यों ना डिपार्टमेंट को अलग रख दिया जाए और फिर उनको रेफरेंस किया जाए। तो इसको हमने नाम दे दिया था रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स के बीच में या फिर टेबल्स को खुद को हम बोलते हैं रिलेशंस। और इसको यूज करने के लिए, डेटा इंसर्ट फेच करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज था जिसको हम बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, बहुत सालों से है और वेल टेस्टेड है, राइट। तो बहुत लोग खुश भी है, इनफैक्ट जब मैंने करियर स्टार्ट किया था आई स्टार्टेड विद SQL और आई वॉज वेरी हैप्पी। बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। अब हुआ ये है, ये 2005 के बाद जब सोशल मीडिया इतना बूम पे आ गया, बहुत लोगों को ऐसा एप्लीकेशन चाहिए था जहां पे बहुत सारे यूजर्स का डेटा हो, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हो वहां पे डेटा बहुत सारा है, उसको सर्च करने के लिए हमारे पास टाइम भी कम है। एग्जांपल आप जाते हो गूगल पे, यू डोंट इवन वेट फॉर 2 सेकंड्स रिजल्ट आने के लिए, अगर क्लिक किया इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? तो इसको पॉसिबल करने के लिए आपको करना ये होगा कि डेटा इस तरह से सेव हो कि वो फास्ट रिट्रीव हो सके। रिलेशनल डेटाबेस में फोकस क्या था कि स्टोरेज कैसे हो, अभी के एप्लीकेशन पे हमें फोकस है कि फास्ट रिट्रीव कैसे कर पाए। बिकॉज वो टाइम पे अगर आपको मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करना होगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट था जॉइंस का, जो यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, बिकॉज जॉइंस स्लो होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं चाहिए, हमें चीजें फास्ट चाहिए। तो हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी है जिसका हमें नाम दिया नो एसक्यूएल, जिसका एक्चुअली मतलब पहले उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एसक्यूएल यूज नहीं करेंगे, डेटा को हम स्टोर करेंगे, ऐसे ही फेच करेंगे, चाहे डेटा डुप्लीकेट क्यों ना हो, क्योंकि स्टोरेज अभी सस्ता है। इमेजिन कीजिए वो टाइम जब 1 GB का पेन ड्राइव वॉज वेरी कॉस्टली, अब वो तुम्हें 1 TB पेन ड्राइव या फिर 1 TB हार्ड ड्राइव का कॉस्ट में मिल जाता है, राइट। तो स्टोरेज अभी सस्ता हो चुका है, तो हमें यहाँ पे रिडंडेंसी से इशू नहीं होना चाहिए। डेटा अगर डुप्लीकेट हो तो चलेगा, बट डेटा फास्ट रिट्रीव होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुए हैं वहां पे उनका इंपॉर्टेंस ये था कि फास्ट सेव कैसे किया जाए, फास्ट रिट्रीव कैसे किया जाए, और कैसे इसको हम मल्टीपल डेटाबेसेस में या फिर मल्टीपल नोड्स में स्टोर कर पाए, और उसका मैं नाम दे दिया नो एसक्यूएल। अब इनमें से टेक्नोलॉजीज में जैसे एग्जाम्पल हो गया MongoDB, Redis, Cassandra, नियो डेटाबेस, अब ये सब चीजें फास्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब इनमें से कुछ टेक्नोलॉजी ने एसक्यूएल जैसे कोई लैंग्वेज सपोर्ट भी किया हुआ है, जैसे Cassandra में हमारे पास SQL है, तो कहीं ना कहीं SQL सपोर्ट है, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया नो SQL, विच इज नॉट SQL, टू नॉट ओनली SQL। इसका मतलब आप डेटाबेस बना सकते हो जहां पे सिर्फ SQL से डेटा सेव रिट्रीव नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस भी है। अब बाकी ऑप्शन क्या है,
सबसे पहला उसमें टाइप होता है NoSQL में, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, जहां पे आपका जेसन डेटा जो यूजर से लेके सर्वर पे जाएगा, सर्वर से यूजर के पास आएगा, वो डेटा जो है वो जेसन में जाएगा एज इट इज, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा वहां पे। सो देयर इज नो नीड फॉर टेबल्स, नथिंग, जस्ट जेसन लो, डंप कर दो, डॉक्यूमेंट टाइप। दूसरा टाइप होगा इसका हम बोलते हैं की वैल्यू। अब की वैल्यू में क्या होता है, आपको वैल्यू स्टोर करना है, जैसे मुझे अपना नाम स्टोर करना, नवीन स्टोर करना है, लैपटॉप का डिटेल स्टोर करना होगा, लेट्स से एसोस लॉग, या फिर मुझे डेटा स्टोर करना है अबाउट माय लेट्स से वेकेशन, कहाँ जा रहा हूँ, तो वो सब वैल्यूज हो गया, लेट्स से मनाली इज अ वैल्यू, नवीन इज अ वैल्यू, राइट। अब जो उसको रेफर करने के लिए हमें चाहिए उसका नाम, जैसे नवीन क्या है, इट्स अ नेम, राइट, तो नेम इज अ की। फिर मनाली इज अ वेकेशन प्लेस, तो वहां पे हम डाल सकते हैं वेकेशन प्लेस, तो वो हो गया हमारा की, राइट। तो ये जाता है की वैल्यू पेयर में। एग्जाम्पल जो डॉक्यूमेंट टाइप का है MongoDB, और की वैल्यू का वन ऑफ द एग्जाम्पल इज Redis। जो थर्ड टाइप हो गया उसका हम बोलते हैं कॉलमनार या फिर टेबुलर स्ट्रक्चर, जहां पे आप डेटा सेव करते हो टेबल फॉर्मेट में। अब अभी तो हमने कहा कि टेबल्स अच्छे नहीं है, एक्चुअली टेबल्स अच्छे हैं बट जॉइंट्स अच्छा नहीं है, तो टेबल हमारे पास होगा ही, और हमें यहाँ पे हर कॉलम को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं डेटा स्टोर करता हूँ, मेरे पास लेट्स से एक नाम है, एक फोन नंबर है, एक ईमेल आईडी है, किसी और के पास लेट्स से हमारे पास यहाँ पे किरण है, किरण के पास दो ईमेल आईडीज है और फोन नहीं है, तो क्यों हम एक टेबल बना के उसको फिक्स्ड स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है। तो जो रो का जो इंपॉर्टेंस होगा, जो डेटा होगा, उसी हिसाब से कॉलम्स होंगे, तो इट इज नॉट फिक्स्ड कॉलम्स विच यू कैन से। वो हो गया हमारा टेबल स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जाम्पल कैसेंड्रा। और जो फोर्थ टाइप यहाँ पे है वो है ग्राफ डेटाबेस। अब ग्राफ की जरूरत क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप देखते हो फेसबुक को, अब फेसबुक में जो भी यूजर्स होते हैं उसके खुद के फ्रेंड्स होते हैं, राइट, तो फ्रेंड्स इसका फ्रेंड हो गया, वो उसका फ्रेंड हो गया, तो हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं, तो हर एक बंदा जो यहाँ पे है उसका हम बोलेंगे नोड, और उनके बीच में होगा लिंक, तो जो हम यूज करते हैं नॉर्मली ग्राफ्स में, राइट। जो अभी के माहौल में जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली लोग प्रीफर करते हैं NoSQL को, बट अगेन देयर आर सम एप्लीकेशंस जहां पे RDBMS इज स्टिल रॉकिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SQL NoSQL कंपैरिजन आल्सो, और दैट्स द बेसिक ऑफ NoSQL। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, और डू हिट दैट लाइक बटन। दैट्स एवरीवन, बाय बाय।